जीत की शहजादियाँ खैरात में नहीं मिला करती, जश्नो जीत मनाना है तो अपने सर को कफन तक ले चलो। नमस्कार, मैं हूँ अखिलेश और स्वागत है आप सभी का नवरत्न मिथिला न्यूज में। ऐसा कहना है ये वार्ड पार्षद राजीव, जो कि बेनीपट्टी नगर पंचायत के 6 नंबर वार्ड से वार्ड पार्षद के लिए नामांकन करवाए हैं, और उनका ही कहना है कि जीत तो ऐसे मिलता नहीं, मेहनत करने से लेकर हर चीज़ के लिए अपने सर को कफन तक ले चलना होता है। और अगर आप सभी लोग नवरत्न मिथिला न्यूज़ को पहली बार फेसबुक पर देख रहे हैं तो सब फॉलो और लाइक और सब शेयर ज़रूर करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए देखते हैं हम और आप नवरत्न मिथिला न्यूज का ये ब्यूरो रिपोर्ट। आज के नॉमिनेशन करवा रहे हैं जी। मेरा नाम राजीव कुमार यादव हुआ, मैं बेनीपट्टी नगर पंचायत क्षेत्र संख्या 6 से नामांकन दाखिल करवाया हूँ आज। मैं मतलब बहुत दिनों से मैंने सामाजिक जीवन एक अच्छी तरह से सोशल वर्कर के तरह जिया, और मैंने अपने समाज को बेहतर समाज बनाने के लिए दृढ़ संकल्प लेकर आगे बढ़ने का काम किया है। उसमें हमारे सारे समाज के सहयोगी, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे गार्जियन, मेरे दोस्त, मेरे सहपाठी सब ने मेरा साथ दिया है, मेरे साथ है, और हम अपने वार्ड को एक बेहतर वार्ड बनाना चाहते हैं। सबसे पहली मुद्दा हमारा रहेगा स्वास्थ्य और शिक्षा। स्वास्थ्य और शिक्षा पे सबसे बेहतर तरीका से हम काम करेंगे। उसमें हमारा सभी गार्जियनों से निवेदन भी करता हूँ कि हमारा सहयोग करें ताकि हम अपने वार्ड को एक बेहतर वार्ड बना सकें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरतू पासवान है। कौन चीज़ के नॉमिनेशन करवाए हैं? वार्ड पार्षद। वार्ड नंबर कितनी है? 9 है। अच्छा, वार्ड नंबर 9 है। अगर आप 9 से जनता ने राय दे दे तो सबसे पहले क्या सेवा दीजिए? पहले हम जो है सो आपको शिक्षा का फर्स्ट प्राथमिकता देंगे। शिक्षा का जो है सो फर्स्ट प्राथमिकता मेरा है, और वह करने के बाद में हमने प्रधानमंत्री आवास हो, पेंशन हो, जैसे मान लीजिए नाला हो, किसी से ढलाई हो, बहुत सारे काम है, पेंशन हो, जो भी काम मिलेगा उसमें करने के लिए हम सक्षम रहेंगे और जनता को हम सदा भला करते रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? कौशल कुमार था। वार्ड नंबर कितनी है? 13। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरतू पासवान है। कौन चीज़ के नॉमिनेशन करवाए हैं? वार्ड पार्षद। वार्ड नंबर कितनी है? 9 है। अच्छा, वार्ड नंबर 9 है। अगर आप 9 से जनता ने राय दे दे तो सबसे पहले क्या सेवा दीजिए? पहले हम जो है सो आपको शिक्षा का फर्स्ट प्राथमिकता देंगे। शिक्षा का जो है सो फर्स्ट प्राथमिकता मेरा है, और वह करने के बाद में हमने प्रधानमंत्री आवास हो, पेंशन हो, जैसे मान लीजिए नाला हो, किसी से ढलाई हो, बहुत सारे काम है, पेंशन हो, जो भी काम मिलेगा उसमें करने के लिए हम सक्षम रहेंगे और जनता को हम सदा भला करते रहेंगे। और अगर आप सभी लोग नवरत्न मिथिला न्यूज़ को पहली बार फेसबुक पर देख रहे हैं तो सब फॉलो और लाइक और सब शेयर ज़रूर करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए देखते हैं हम और आप नवरत्न मिथिला न्यूज़ का ये ब्यूरो रिपोर्ट। आज के नॉमिनेशन करवा रहे हैं जी। मेरा नाम राजीव कुमार यादव हुआ, मैं बेनीपट्टी नगर पंचायत क्षेत्र संख्या 6 से नामांकन दाखिल करवाया हूँ आज। मैं मतलब बहुत दिनों से मैंने सामाजिक जीवन एक अच्छी तरह से सोशल वर्कर के तरह जिया, और मैंने अपने समाज को बेहतर समाज बनाने के लिए दृढ़ संकल्प लेकर आगे बढ़ने का काम किया है। उसमें हमारे सारे समाज के सहयोगी, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे गार्जियन, मेरे दोस्त, मेरे सहपाठी सब ने मेरा साथ दिया है, मेरे साथ है, और हम अपने वार्ड को एक बेहतर वार्ड बनाना चाहते हैं। सबसे पहली मुद्दा हमारा रहेगा स्वास्थ्य और शिक्षा। स्वास्थ्य और शिक्षा पे सबसे बेहतर तरीका से हम काम करेंगे। उसमें हमारा सभी गार्जियनों से निवेदन भी करता हूँ कि हमारा सहयोग करें ताकि हम अपने वार्ड को एक बेहतर वार्ड बना सकें।